Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे. आज है ट्यूसडे और आज है जन्माष्टमी का दूसरा दिन, यानी कि दही हंडी, जो मुंबई में बहुत जोरों शोरों से मनाते हैं. और मुझे लगता है कि आज हवा भी बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हो. मैं अभी अपने बिल्डिंग के दूसरे साइड आया हूँ और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि सानवी रुक गई है. सानवी घूम रही थी और डर गई है. अब वो उसको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, इतना तेज़ हवा आ रहा है. तो मेरे ख्याल से बारिश हो सकती है. बादल थोड़े काले थोड़े साफ है. जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज दही हंडी है. बहुत सारी जगहों पर मुंबई में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोगों के फ्लोर्स होते हैं. जैसे एक इंसान है, एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान से थर होते हैं, थर कहते हैं, और वो थर बहुत बड़े होते हैं और वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं. यानी कि अगर वो मटकी किसी ने फोड़ दिया किसी ग्रुप ने, तो प्राइस मनी 33 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी जाते हैं. हमने देखे हैं, पोस्टर्स पे लगे हुए, पता नहीं कि मिलते हैं कि नहीं. अभी आवाज़ें आ रही है सब जगह से. What happened, सानवी? सानवी को मज़ा आ रहा है हवा में. Wow, it's so breezy. आप हवा देख सकते हो गाइस, बहुत तगड़ी हवा चल रही है. तो सानवी फुल मस्ती के मूड में है, उसको मज़ा आ रहा है हवा में. उसके पूरे कपड़े उल्टे पुल्टे हो गए. बाप रे सानवी, चलो 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 बाबू, लेट्स गो फ्रॉम हियर. तो गाइस, ये मेरे घर के बाहर का रास्ता है. आप देख सकते हो पूरा जाम हो रखा है. बसेस सारे यहीं पे पार्क हो चुके हैं. ये जो यूनिफॉर्म्स में आप देख रहे हो, ये दही हंडी फोड़ने वालों का ग्रुप है, जो जगह जगह जाएंगे और अपना लक ट्राई करेंगे. देखो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें प्राइस मनी भी लिखाया हुआ है, 33 लाख. जिसने भी मटकी फोड़ी उसको 33 लाख मिलेंगे. उसकी ऊँचाई आप समझ सकते हो कितनी होगी, जिसकी इतनी प्राइस मनी होगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी मटकी की. देखो गाइस, ये दूसरी जगह का दही हंडी है जिसको फोड़ने पर 5.5 लाख मिलेंगे. मटकी फोड़ने का पूरा एक ग्रुप जो है ट्रक भर के जा रहा है. ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं कुछ लोग. ये जाने वाले कहीं पर मटकी फोड़ने, ये किसी एरिया का ग्रुप है. तो गाइस, वैसे हम लोग तो बाहर जा नहीं पा रहे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बात लाइव है. YouTube पे मैंने चालू कर रखा है न्यूज़ चैनल्स, किस तरीके से लोग एक के ऊपर एक चढ़ के हांडी फोड़ने का कंपटीशन कर रहे हैं. ये देखिए, बाकी सब तो उतर गए. एक बच्चा जो होता है, जो हल्का होता है, वो सबसे टॉप पे होता है. उसको हार्नेस पहनाते, फिर उसको क्रेन से नीचे धीरे धीरे छोड़ा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क उसी को होता है. जिस तरीके से गणेश चतुर्थी मनाते हैं, उसी तरीके से दही हंडी भी मनाते हैं. बहुत सारे पैसे ही होते हैं यहाँ पे सर्कुलेट, और बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स इन्वॉल्व होते हैं. तो मुझे लगता है गणपति के बाद जो सबसे अमीर फेस्टिवल है ना मुंबई में, वो दही हंडी है गाइस. तो गाइस यहाँ पे देखो, थर बनने स्टार्ट हो गए. अब देखना ये है कि कितने थर का है पहले तो, और क्या ये मटकी फोड़ पाएंगे कि नहीं. क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो हमने बोर्ड देखा था 33 लाख वाला, उसी के यहाँ का वही मटकी है मुझे लग रहा है, जो 33 लाख की है. भाई साहब, ये ना दोस्तों, ये ऐसे नहीं होता. इसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस लगती है और बहुत जिगरा लगता है. क्योंकि ये छोटे बच्चे को देख रहे हो, भले उसने हार्डनेस पहन रखा है, पर इतने हाइट पर ना अच्छे अच्छों की फट जाएगी फॉर श्योर. भाई साहब, वो बच्चे को देख रहे हो कितना फटाफट चढ़ रहा है भाई ये ऊपर. ओ बाप रे, ये देखो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, क्या कोऑर्डिनेशन है. बट मानना पड़ेगा, क्या लगता है जीत पाएंगे कि नहीं गाइस. ओ ओ ओ ओ, हल्की सी चूक, किसी एक की भी चूक, देखो हल्का सी गड़बड़ हो गई और उनको नीचे उतारना पड़ा. ये देखो, ओ तो गाइस, एक अर्जेंट काम के लिए मुझे काजल को और सानवी को बाहर जाना पड़ रहा है, और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखी है कि क्या बताऊँ. लकीली हमें एक कैब मिल गई है, कैब आने ही वाली है. नहीं तो कैब ही नहीं मिल रही थी, कैब कैंसिल हो रही थी. तो बाहर देखते हैं कितना ट्रैफिक जाम हो रखा है. तो गाइस, सानवी तो सो गई है. गाइस ये देखिए, मटकी फोड़ने का पूरा ग्रुप यहाँ पे खड़ा है. कैब
मैं आते ही सानवी का नींद हो गया गायब है ना सानू नींद नहीं आ रही आपको। फाइनली घर पे आ चुके हैं, सानवी सो गई है। लकीली हमें ना जाते वक्त ना आते वक्त ट्रैफिक मिला, और हमारे सोसाइटी में भी दही हंडी का प्रोग्राम होने वाला है, तो मेरे दोस्तों ने तो सारा सामान नीचे लेके आ चुके हैं। मुझे जस्ट उनकी नीचे जाकर मदद करनी है, तो फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ और फिर नीचे आता हूँ उनकी मदद करने। यहाँ पे सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे। और कौन चढ़ने वाला है? बॉबी चढ़ने वाला है क्या? नहीं, तो हम लोग नीचे। गाइस बॉबी चढ़ने वाला है, लोग सेकंड फ्लोर से बांधते हैं, सेकंड फ्लोर से वो जो सीढ़ी बांधी है उसके टॉप पे। तो गाइस रस्सी सज चुकी है बलून चॉकलेट और फ्रूट्स के साथ, और यहाँ पर हमने मटका भी डाल दिया है। और पानी अभी नहीं, ये वाला वो है, ये अपना गेम वाला है भाई, ये इसके अंदर चॉकलेट है। अच्छा, ये है मेरा दोस्त शारोन। तो गाइस मटकी सेट है, हम कैसे था पहले लड़कियों को करेंगे, पर लड़कियां तो डर रही है, तो अब लॉन्डो को ही पकड़ रहे हैं। ए आओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल आना जल्दी आ। तो गाइस ये लड़कों से तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इन लड़कों से, लड़कियों से भाई। हम तो पीछे क्या कर रहे हैं तू भाई? और तीन मटका, अभी तक एक मटका नहीं फूटा गाइस, एक मटका नहीं। हाँ चढ़ जा चढ़ जा। हमने पहला नारियल तोड़ दिया है। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अरे ए साइलेंट साइलेंट साइलेंट, हां सर, मार 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 मार। गाइस यहाँ पे कंटेस्टिंग की हो रही है कमी, इसलिए आंटी लोग भी आ गए गेम में। अजय अजय अजय, मार दो मार दो मार दो, हाथी घोड़ा पालकी। मजा आ गया। बार एक और बार, गो 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 गो। मारा 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 मारा, नहीं फूटा।
और गाइस ये है आज रात की आखिरी मटकी और अब इसको सिर्फ लड़के फोड़ेंगे, सिर्फ लड़के हम फोड़ेंगे। कैसा लगा पहली बार में ही तोड़ दिया मटकी, कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया। बोला था ना गिरने को पहले पहले एक्टम में नहीं तोड़ने का था तुम लोगों को, तो क्यों हीरो बनने का तेरे को? आप लोग पीछे से सपोर्ट दे रहे, हम तो गिराना चाहते थे भाई। तो गाइस आपने देखा आज कितनी ज्यादा मस्ती की है हमने, बहुत मजा आया। आई होप आप सब लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए दोस्तों मैं यहीं पे ये व्लॉग को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस व्लॉग को जरूर पसंद करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।